डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन फिजिक्स लेसन मोशन इन स्ट्रेट लाइन दिस इज लेसन नंबर थ्री इन यर फिजिक्स दिस लेसन स्टार्ट्स फ्रॉम मोशन वाट डू यू मीन बाय मोशन मोशन का अर्थ होता है गति मोशन किसे कहते हैं एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज मूवेबल दैट इज चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम इज कॉल्ड इन मोशन वी सी मेनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड अस many vehicles aeroplane flies in the air earth revolves around the sun sun is also a movable star this moves in the galaxy and galaxy is moves in the universe everything इज इन मोशन अकॉर्डिंग टू योर फिजिक्स मोशन इज ए चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन वी स्टडी इन दिस लेसन ऑन रेक्टीलिनियर मोशन वट इज रेक्टीलिनियर मोशन वेन एन ऑब्जेक्ट मूवस इन ए स्ट्रेट लाइन जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करता है तो उसे रेक्टीलिनियर मोशन कहा जाता है और इस चैप्टर में इसी की स्टडी करेंगे हम इसके लिए हम एक रेफरेंस सिस्टम लेते हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है तो इस पोजीशन के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं टू एक्सिस वाला तो आप पढ़ चुके हैं यहां पर कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं जिसमें थ्री एक्सिस होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और जब दो एक्सेस वाला सिस्टम लिया जाता है तो उसमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो रेफरेंस पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है एक्स और वाई तो जब जेड एक्सेस भी शामिल है तो यहां किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या पॉइंट की सिचुएशन बताने के लिए हमें थ्री पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी थ्री रेफरेंस पॉइंट्स की एक्स वाई और जेड तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे अब चूंकि मोशन में हम टाइम को भी कंसीडर करते हैं तो इस सिस्टम में हम एक क्लॉक लगा देते हैं टाइम रिकॉर्ड करने के लिए तो जब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्लॉक अटैच कर देते हैं टाइम भी कंसीडर किया जाता है तो इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है तो फिजिक्स में इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग मोशन का मेजरमेंट किया जाता है नाउ कम टू टाइम डिस्टेंस ग्राफ्स हियर यू कैन सी थ्री ग्राफ्स फर्स्ट पोजिशन जब ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है यह वाला ग्राफ बता रहा है सेकेंड वे ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन जब वो फिक्स मोशन में है फिक्स स्पीड में चल रहा है कम ज्यादा नहीं हो रही उसकी स्पीड थर्ड है वैन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन बात करते हैं पहले पोजीशन की जिसमें कि जो ग्राफ बताया गया है वो पैरेलल आ रहा है ये पैरेलल क्यों आ रहा है इसके लिए इसकी कंडीशन जिम्मेदार है हमने इस पार्टिकल को इस ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी पोजीशन पर लिया है स्टेशनरी का मतलब वो स्थिर अवस्था में है और मान लिया कि वो यहाँ पर 30 मीटर डिस्टेंस पर फिक्स है लेकिन अब जानते हैं रेफरेंस हमने टाइम का भी लेना है क्योंकि हम मोशन में चल रहे हैं तो टाइम नेवर वेट्स फॉर एनी वन चाहे कोई भी हो टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है टाइम अपनी स्पीड से चलता रहेगा टेन सेकेंड्स ट्वेंटी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स और अब बारी बारी से उसकी जो पोजीशन है पॉइंट की वहीं का वहीं बनी रहेगी इसका जो ग्राफ मिलता है हमें पैरल टू एक्स एक्सिस मिलता है जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं सेकेंड वेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन ये आइडियल पोजीशन होती है इसमें ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कराना है जिससे उसकी स्पीड एकदम नहीं बढ़े फिक्स रहे फिक्स स्पीड में चलता रहे शुरू से एंड तक जब तक वो एक्सपेरिमेंटल पोजीशन चलती है तो बारी बारी से इसकी रीडिंग्स ली जाती हैं टाइम के अकॉर्डिंग तो टाइम के अकॉर्डिंग इसकी जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू रेगुलर बढ़ती है तो बारी बारी से इसके पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिलते हैं तो इसका जो ग्राफ मिलता है पासिस थ्रू ओरिजन वाला मिलता है और ये ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन मिलती है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मिलता है हमें थर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन नॉट यूनिफॉर्म मोशन और ये चारों तरफ हम जो मोशन देखते हैं ऑब्जेक्ट्स की इसी के अंतर्गत आती हैं इसमें भी टाइम और डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ली गई हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ही हमें स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो देखें यहां पर मान लेते हैं कि कोई व्हीकल चल रहा है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती है आप देखते हैं धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ी और यहां पर यहां पर जब आया वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या व्हीकल तो वो रुक गया और आप देखते हैं यहां से यहां तक वो स्टेशनरी पोजीशन पर है मतलब कोई भी जो व्हीकल चलाने वाला ड्राइवर था वो रुक गया है चाय पानी के लिए फिर उसके बाद वो स्पीड में अपने व्हीकल को चलाता है तो ऐसे फिर वो रुक जाएगा तो ऐसे स्टेशनरी पोजीशन आ सकती है तो ये ग्राफ जो है वो इरेगुलर बनता है लेकिन बनता कंटिन्यूटी में है तो ये ग्राफ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन वी विल मीट अगेन with a new lesson tomorrow. Thank you.